वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी से मिलने ट्रैक पर कूदे लोग। वाराणसी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बाबा काल भैरव के दरबार में टेका मत्था, मांगा जीत का आशीर्वाद। मुंबई में कोरोना की चौथी लहर से निपटने की तैयारी, बीएमसी ने टास्क फोर्स से मांगे सुझाव, 22 जून तक चौथी लहर आने की दी चेतावनी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बेटे नीतीश की बड़ी मुश्किलें, आज होंगे मालवानी थाने में पेश, दिशा सालियान मामला थाने में एफआईआर दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के साथ। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर देर रात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर रेल यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देर रात अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर निकले पीएम मोदी कैंट स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव लाउंज की व्यवस्था देखी, यात्रियों की सुविधाओं और उनके सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली चीजों के बारे में जानकारी ली। यात्रियों ने जब पीएम को अचानक सामने देखा तो सभी ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के साथ तस्वीर लेने और उनका वीडियो बनाने वालों की होड़ लग गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वाराणसी में मेगा रोड शो के बाद काशी के मंदिरों में मत्था टेका। महामृत्युंजय मंदिर और बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाकर यूपी चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सपा के दक्षिणी प्रत्याशी किशन दीक्षित और बड़ी संख्या में सपा समर्थक और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश ने काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अखिलेश यादव काल भैरव मंदिर में महामृत्युंजय मंदिर तक पैदल ही गए। उन्होंने दर्शन पूजन कर बाबा का चरणामृत ग्रहण किया। इसके बाद मंदिर परिसर का दौरा किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे के खिलाफ 5 मार्च को मालवानी पुलिस थाने में उनको पेश होना होगा। इससे पहले दिशा के माता पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद मालवानी थाना पुलिस ने नारायण राणे को 4 मार्च की सुबह 11 बजे बयान दर्ज कराने, वहीं उनके बेटे को 3 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने अपने आरोपों को दोहराया था कि सालियान के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई थी, लेकिन सालियान के माता पिता ने इससे इनकार किया था। तो वहीं रूस की ओर से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमलों को अब 10 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद यूक्रेन के कई शहर अब भी रूसी सेना के नियंत्रण से बाहर हैं। अब अमेरिका और नाटो के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाने के लिए रूस तब तक बम बरसाएगा जब तक सभी शहर खुद आत्मसमर्पण नहीं कर देते। अफसरों ने कहा कि रूस के हवाई हमलों की वजह से आने वाले दिनों में आम नागरिकों के मारे जाने का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले नाटो ने खुद यूक्रेन के हवाई मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया था। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही वहां के स्थानीय निवासियों के पास के आश्रय गृह के जाने की अपील की गई है। विधानसभा चुनाव के बाद अब मतगणना को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मतगणना के दौरान पोस्टल बैलेट के मतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा मौजूद रहते हैं, इस बार भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। इस बार पोस्टल बैलेट को लेकर कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा कि वो इस पर विशेष निगाह रखें। मतगणना में जो विशेष योगदान है आज की स्थिति में वो है जो सर्विस और पोस्टल बैलेट है उनका, और उस बारे में हम जो लीगल असिस्टेंट हमें करते हैं उनसे भी हम राय मशविरा कर रहे हैं, और उन वोटों को हर तरह से जांचने परखने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे जो मतगणना स्थल में जाने वाले लोग हैं जो पोस्टल बैलेट की टेबल पर बैठेंगे उनको विशेष रूप से यहाँ से ये हिदायत जारी करेंगे कि उन पोस्टल बैलेटों को कैसे जांचा जाए, जो कि तमाम आपने देखा होगा कि
कितनी संख्याएं बाजार में तैर रही हैं, कोई वीडियो बाजार में तैर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी प्रमाण है कि जो लोग रिटायर होकर घर आए हुए हैं वो उनके भी वोट पोस्टल वोट वहाँ जा रखे हैं और वो वोट पढ़ के आ रहे हैं, मतलब वोट टिक करके आ रहे हैं। तो ये गंभीर मामले हैं और हमने इसकी बृहद योजना बना रखी है कि हम जो गलत तरीके से डाले गए वोट हैं उनको कैसे रोका जाए। सहारनपुर के गोपाल नगर कॉलोनी निवासी अपनी शिकायत लेकर सहारनपुर नगर निगम पहुंचे। उन्होंने सड़क निर्माण से संबंधित अपनी समस्या से नगर आयुक्त को अवगत कराया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से सड़क जो चौड़ीकरण होना था, सड़क की चौड़ाई 4.8 मीटर पास हुई थी, जिसके रहते कॉलोनी वासियों ने स्वेच्छा से अपना 4 फीट का अतिक्रमण हटा दिया था, लेकिन दबंगों की तरफ से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। तो खबर सहारनपुर से आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों द्वारा डराए धमकाए जाने का वाकया सामने आया है, जिसको लेकर नगर निगम में शिकायत भी की गई है। आपको बता दें कि कॉलोनी वासियों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से सड़क जो चौड़ीकरण होना था, सड़क की चौड़ाई 4.8 मीटर पास हुई थी, जिसके रहते कॉलोनी वासियों ने स्वेच्छा से अपना 4 फीट का अतिक्रमण हटा दिया था, लेकिन दबंगों की तरफ से उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। अभी कांडा जी ने बताया कि हमने 3-3, 4-4 फुट तुड़वा भी दिया जो अवैध अतिक्रमण था। तो इस पे मुझे एक शायद याद आता है कि इस घनी छांव से वो कड़ी धूप बेहतर थी, वो तो जिसमें जलाती थी ये रूबी जलाने लगी। अगर हम ये 3-3, 4-4 फुट ना तोड़ते तो वही बेहतर था, क्योंकि पहले ये लोग कह रहे थे कि 2-2 फुट तोड़ दो, हमने 3-3 फुट तोड़वा दिया, 3.5-3 तोड़वा दिया, जहाँ 4 हुआ वहाँ 4 भी तोड़वा दिया। लेकिन अब उसके बाद चाहते हैं कि लोगों के आशियाने गिरा दिया जाए, लोगों को सड़क पर लाकर बेघर कर दिया जाए, तो ये हम नहीं चाहेंगे। हमारी गली में कई वर्षों के बाद सड़क निर्माण के लिए मंजूरी हुई है और 4.8 मीटर की सड़क मंजूर हुई है चौड़ाई में। हमारे नगर जी के निर्देशानुसार सभी गली वासियों ने स्वेच्छा से जो अस्थायी अतिक्रमण था वो हटा दिया है, लेकिन गली के कुछ असामाजिक तत्व हमारे खिलाफ प्रतिदिन नित प्रतिदिन नई नई एप्लीकेशन दे के बार बार हमको उत्पीड़न कर रहे हैं और हमारे मोहल्ले की औरतों को ये धमकी दी जाती है कि अब तो ये मकान आपको बेच के जाना पड़ेगा या फिर ये सारा मकान तोड़ना पड़ेगा। हमारी नगर जी से ये मांग है कि गली जहां तक बननी है वहां तक 4.8 मीटर चौड़ाई की सड़क को बनाया जाए और इसकी जांच की जाए कि जो असामाजिक तत्व हमें धमकी दे रहे हैं उन्होंने 8-8, 10-10 का अतिक्रमण स्वयं अपने घर के दोनों ओर कर रखा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सहारनपुर से सुशील कपिल जुड़ गए हैं। सुशील जी, क्या है पूरा मामला और किस वजह से इन लोगों को डराया धमकाया जाने की जो इन्होंने शिकायत की, कौन इनको डरा धमका रहा है? मैं बताना चाहूंगा, सहारनपुर स्मार्ट सिटी को लेकर नगर में चारों तरफ सड़कें और पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसको लेकर गोपाल नगर के क्षेत्रवासियों ने कल नगर आयुक्त के सामने धरना प्रदर्शन किया और शिकायत की कि हमारे जो मकान बने हुए हैं पुराने उनको तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर काफी धरना प्रदर्शन किया है। और उधर पार्षद मॉडल जब बात की गई, पार्षद जी ने बताया कि ये जो है सड़कें हमने नियमानुसार बनाई जा रही है, लेकिन मौके पर जो है अतिक्रमण पहले से ही है जी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ करती हुई नजर आ रही है, पुलिस को शिकायत की गई है इसमें? जी जी, इसमें नगर साहब से शिकायत की गई थी, उन्होंने इसके जांच कराई गई और जांच कराई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ठीक है, बाकी नगर आयुक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपने बात की नगर आयुक्त से, क्या कुछ कहना है उनका? जी, नगर साहब से हमने बात की है, उनसे उन्होंने बताया कि इसकी जांच कराई जाएगी, इसको काम रोक दिया गया फिलहाल और इसको जांच कराकर तब सड़कें बनाई जाएगी। चलिए ठीक है, आप इस खबर पर बने रहिएगा सुशील कपिल जी, इस खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो सहारनपुर के गोपाल नगर कॉलोनी निवासी अपनी शिकायत लेकर सहारनपुर नगर निगम पहुंचे थे, सड़क निर्माण से संबंधित अपनी समस्या से नगर आयुक्त को अवगत कराया था। फिलहाल शिकायत उन्होंने की है, इसको लेकर क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल के डीएम धीराज सिंह गर्बयाल ने बताया कि आने वाले 10 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना निर्धारित की गई है, जिसके चलते किसी कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना ना पड़े, उसके लिए नैनीताल के हल्द्वानी MBPG कॉलेज सभागार मतगणना कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम पावर प्रेजेंटेशन के जरिए मास्टर ट्रेनरों की तरफ से 2 पालियों में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। तो वही कर्णप्रयाग में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 9.5
9-8 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे की तरफ से नशे और ड्रग्स के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। पौड़ी गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली श्रीनगर में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है। वहीं इस दौरान ढोलक हारमोनियम की धुन पर लोग जमकर थिरके। बता दें कि यहां होली से पहले बैठकी होली का दौर शुरू हो गया है। गढ़वाल क्षेत्र में जितने उत्साह के साथ होली मनाई जाती है, उतना शायद ही कहीं और मनाई जाती होगी। यहाँ वसंत ऋतु से ही होली खेलने का दौर शुरू हो जाता है। गढ़वाल में होली को होरी कहा जाता है और होली खेलने वालों को होलियार कहा जाता है। देखिए, लॉयन क्लब की ओर से हमने बैठकी होली का यहाँ पे आयोजन किया है, लक्ष्य फाउंडेशन और उत्सव ग्रुप की ओर से। क्योंकि कोरोना के 2 साल पहले हमने ठीक यहाँ पे बैठकी होली की थी और कोरोना की वजह से हम बैठकी होली नहीं कर पाए थे। और ये जो हमारा रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। हमने यहाँ पे कुछ शिक्षकों को भी सम्मानित किया, रंगकर्मियों को सम्मानित किया। मैं सभी शहरवासी को, प्रदेशवासी को, देशवासी को होली की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बैठकी होली में एक तरह की शास्त्रीयता होती है। बैठकी होली के जितने भी गीत होते हैं वो हमारे शास्त्रीय संगीत से लिए गए या सेमी क्लासिकल इन्हें कहते हैं, लाइट म्यूजिक में आते हैं। तो इसमें मूलतः राधा कृष्ण के जो रास रंग की होली होती है, शिव पार्वती की रंग की जो होली होती है और गढ़वाल के फोक में ब्रज की होली समाहित है। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में MBBS की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की वतन वापसी शुरू हो गई है। मंगलौर क्षेत्र से भी करीब 5 छात्र यूक्रेन शिक्षा के लिए गए थे, जिसमें से 2 छात्र अपने घर लौट आए हैं। मंगलौर कस्बे के मोहम्मद रहीम भी यूक्रेन से निकलकर रोमानिया पहुंच गए थे और 3 दिनों से रोमानिया एयरपोर्ट पर ही घर लौटने का इंतजार करते रहे। यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे मोहम्मद रहीम के परिजनों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर वापस लौटे रहीम ने बताया कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। परिजनों ने भी बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। लेके यहाँ तक आए, अपने से गणतंत्र पहुँचाया, इसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, आपके ही चैनल के द्वारा ये बार बार प्रसारित किया गया ताकि इंडियन गवर्नमेंट जागे, और ये सब आपके ही चैनल के माध्यम से हो पाया संभव, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। हम बॉर्डर क्रॉस जब कर गए तो वहाँ पर एम्बेसी की बसेस थी जो हमें शेल्टर होम में ले जाती थी। तो हम शेल्टर होम पहुँचे, शेल्टर होम में तो सही था सब कुछ, वहाँ पे तो सारी व्यवस्था थी खाने पीने की। तो हम वहाँ पे 2 दिन रुके और फिर वहाँ से हमारा ये हुआ कि एयरपोर्ट पे जाएंगे। फिर हम एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी कि जिसका नाम आएगा उसकी फ़्लाइट्स होंगी। फिर वहाँ पे हमें 10 घंटे रुकना पड़ा एयरपोर्ट पे। 10 घंटे के बाद फिर हमारी फ्लाइट हो गई, फिर हम उज्जैन से इंडिया आ गए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के
अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I'm currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। 91वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। गौचर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं का कार्य कर रही दिलीप बिल्डकॉन और मेघा कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से गौचर के भट्टनगर स्थित कंपनी परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से सुरक्षा को लेकर जागरूकता की बात कही गई। देखो, ये पूरे हफ्ते भर का प्रोग्राम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है प्रोग्राम और ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये हर साल 4 मार्च से 9 मार्च के बीच में प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं और इसमें होने वाले विविध प्रोग्राम है जिसमें आज इनॉग्रेशन फंक्शन हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा सेफ्टी एग्जीबिशन, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोग्राम, मेडिकल हेल्थ चेकअप, गेम्स और स्पोर्ट्स रखे हुए हैं, फर्स्ट एड पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है, हाउसकीपिंग कंपेन रखा हुआ है, रोड सेफ्टी के ऊपर प्रोग्राम है और 9 तारीख को हम इसका प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे जिसमें हम जो भी विनर रहेंगे इस प्रोग्राम के इस पूरे सप्ताह में उनको अवार्ड देंगे। मंगलौर में अब मौसम में बदलाव शुरू हो गया है, हल्की गर्मी भी महसूस होने लगी है लेकिन बीच बीच में बारिश होने की वजह से ठंड का एहसास अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस मौसम के बदलाव में सर्दी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, आंखों में जलन जैसी बीमारियों का शिकार लोग बड़ी संख्या में हो रहे हैं। खासतौर पर वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वहीं बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। देखिए, अब जैसे ठंड खत्म हो गई है और गर्मी आ रही है तो ये जो बीच का एक पीरियड होता है जिसमें मौसम एकदम से बदलता है तो उस समय ये दिक्कतें ज़्यादा शुरू होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, ये सब बीमारियाँ, डायरिया होने लगता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उसमें सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी बचाव का तरीका तो यही है और अगर किसी को होता है तो दवाइयाँ हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उससे पहले हम साफ़ सफाई अपने आसपास घरों की सफाई, खान पान में सफाई रख के हम इस चीज़ को रोक सकते हैं।
खबर आपको बता रहे हैं जहां मौसम में बदलाव से बीमारियां जो हैं वो एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। यही वजह है कि इस मौसम के बदलाव में सर्दी, जुखाम, बुखार, सिरदर्द, आंखों में जलन जैसी बीमारियों का शिकार लोग बड़ी संख्या में हो रहे हैं और खासकर ये वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है। वहीं बदलते मौसम के बीच प्रशासन भी अलर्ट है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। तो मौसम ने करवट ली, वैसे ही बीमारियों का दौर भी शुरू हो चुका है जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और लोगों को सावधान किया जा रहा है। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 बाइकें बरामद की हैं। वहीं घटना की जानकारी देते हुए सीओ सिटी ने बताया है कि बरामद 1 बाइक पीलीभीत के अमरिया और 3 बाइक रुद्रपुर क्षेत्र से चोरी की गई हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये 6 फरवरी 2022 की घटना है। ट्रांजिट कैंप से रजनीश कुमार ने एक कंप्लेन करी थी कि उनकी स्प्लेंडर बाइक UK06AR8903 किसी ने चोरी कर ली है। इस पर हमारे द्वारा एक अपराध पंजीकृत किया गया था 47/22 अंडर सेक्शन 379 IPC, जिसकी विवेचना सब इंस्पेक्टर कौशल भाकुनी के द्वारा की जा रही थी। सब इंस्पेक्टर विजय कुमार दोनों मंडल के और इनकी टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, सूरज मौर्य और विशाल सिंह, जो क्रमशः किच्छा और रामनगर के रहने वाले हैं। इनके माध्यम उसके पास से हमारी ये चोरी की बाइक बरामद हुई। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया कि पहले भी ये चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। वहीं उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में शादी के घर बेखौफ दबंगों ने युवती से मारपीट की। इसी के साथ दबंगों ने युवती के कपड़े फाड़कर छेड़छाड़ भी की है। युवती को बचाने आए परिजनों से भी दबंगों ने मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। ये माखी थाने से एक प्रकरण संज्ञान में आया है। इस मामले में जांच के मैंने आदेश दिए हैं और शीघ्र ही इसमें 3 दिन के अंदर जांच करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद बीएमसी ने मुंबई में चौथी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी प्रशासन ने संभावित लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स से मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि कानपुर IIT ने देश में जून में कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका व्यक्त की है, जिसमें 22 जून से 22 अक्टूबर के बीच चौथी लहर आने की चेतावनी दी गई है। ये भी कहा गया है कि 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आएंगे, उसके बाद चौथी लहर समाप्त हो जाएगी। इसके मद्देनज़र चौथी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स से संपर्क किया गया है। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद बीएमसी ने मुंबई में चौथी लहर से निपटने की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि तीसरी लहर जो संभावित रूप से पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है, ऐसे में चौथी लहर से निपटने की तैयारियों में बीएमसी लगा हुआ है। बीएमसी प्रशासन ने आपको बताते चले कि संभावित लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स से मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि आयुक्त हैं सुरेश ककानी साहब, उन्होंने बताया है कि कानपुर IIT ने देश में जून में कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका व्यक्त की थी, जिसके चलते अब बीएमसी मुंबई में पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है और लीड कर रहा है, जिसमें 22 जून से 22 अक्टूबर के बीच चौथी लहर आने की चेतावनी है। ये भी कहा गया है कि 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आएंगे, उसके बाद चौथी लहर समाप्त हो जाएगी। इसके मद्देनज़र चौथी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स से संपर्क किया गया है।
यूक्रेन के ओडिया शहर की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की छात्रा रही विधुना की बेटी शिवानी चौहान भी आदर्श नगर स्थित अपने घर पर पहुंची, जहां उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। घर पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि पहली बार इस तरह की बम और गोलीबारी देख दहशत में समय गुजारा है। बॉर्डर पार करते समय यूक्रेनी सैनिकों की बदतमीजी और मारपीट की भी शिकार रही। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के प्रयास से वो बचकर घर वापस आ गए। रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। इस दौरान रूस ने सबसे पहले ओडेसा शहर पर ही हवाई हमला किया था। हवाई हमले के दौरान ओडिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मौजूद शिवानी समेत सभी छात्र दहशत में आ गए थे। मतलब हमको 24 में कुछ मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ओडिशा में, बट मतलब स्टार्ट हो गया था 24 को, बट 25 को बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर सिचुएशन हो गई थी। और मतलब हमको बंकर वगैरह में भी जाने के लिए बोल रहे थे, तो हमने सोचा कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे फंस जाएंगे। तो हम उड़ीसा से निकल लिए, तो हमने मतलब एक बस किया, बस में मतलब 30 मतलब 20-30 स्टूडेंट्स बैठे, और आगे मतलब बस के फ्रंट पे हमने इंडियन फ्लैग लगा लिया था। तो मतलब हम जा रहे थे तो हमको लोग मतलब देख कभी कभी देख मतलब रोक रहे थे और बोल रहे थे मतलब देख रहे थे और जस्ट मतलब फ्लैग देख के भी बोल रहे थे कि निकल जाओ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।